तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 26। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, बट आप क्वेश्चन देखते जाइए और सोल्यूशन हमने बना लिया है, सोल्यूशन देखते चले जाइए। क्वेश्चन 26 का सोल्यूशन ये है, थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये आ गया 1/ms। क्वेश्चन नंबर 27 है, आउटपुट वोल्टेज निकालना है। दोनों इनपुट पे वोल्टेज दिया गया है, एक बार 2 वोल्ट ऑन रहेगा और एक बार 3 वोल्ट। सुपर पोजिशन थ्योरम लगा के सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्मूला पुट करना है। तो यहाँ से इसका आंसर आ गया 6 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर ए मेमोरी रेंज ऑफ इतना, एड्रेस रेंज इन ऑक्टल फॉर्मेट विल बी। इसको नहीं किया है मैंने, इसको देखना पड़ेगा, अभी उस टाइम तो मैंने नहीं सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 29। अब देखिए 29 में यह है कि 1 वोल्ट दिया गया है, मतलब इन्वर्टिंग पे भी नॉन इन्वर्टिंग पे, तो वही सुपर पोजिशन लगा के ही करना है। ओके, तो इसका सोल्यूशन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, मेश एनालिसिस कहाँ यूज होता है, मतलब वर्क्स विद ओनली प्लानर सर्किट। थर्टी वन, अच्छा क्लोज लूप गेन निकालना है। 31 में आपको क्लोज लूप गेन निकालना है, ओपन लूप गेन है। देखो अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, क्लोज लूप गेन इक्वल टू 1+RF/R1, तो इससे आ रहा 5 वोल्ट। बट ये तब पॉसिबल होता है जब आपका ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है, बट यहाँ हमें 45 दिया है, तो इस मेथड से ये आंसर गलत है। मतलब जो डायरेक्ट फार्मूला हम लोग लगाते हैं वो यहाँ नहीं आएगा। आगे देखिए कैसे आया है, तो क्लोज लूप गेन का फार्मूला अब ये बनेगा। अगर नॉन इन्वर्टिंग का केस है, नॉन इन्वर्टिंग पे इनपुट दिया गया ना, तो 1+RF/R1 अपॉन, ये पूरा याद रखना पड़ेगा, ये नीचे यही टर्म एक्स्ट्रा आ जाता है, 1+RF/R1 इंटू 1 अपॉन ओपन लूप गेन। इसी में पुट कर दिया, ओपन लूप गेन ये दिया हुआ है और RF/R1 जो पहले लिए हैं वही है, तो यहाँ से आ गया 4.5 वोल्ट। तो आ गया ये 4.5। ऐसे क्वेश्चन मतलब हर जगह आते हैं कि ओपन लूप इनफाइनाइट नहीं है, ओपन लूप दिया है और क्लोज लूप निकालना है। 32 पर क्या है, इफ ऑल रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल लाई इन लेफ्ट हाफ ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो क्या है, तो वो पॉलिनोमियल क्या कहा जाएगा। तो इसको हर्विज कहते हैं, इफ द पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर लोकेटेड इन लेफ्ट हाफ ऑफ प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, रियल पार्ट ऑफ एवरी रूट इज जीरो। मतलब यही है कि सारे रूट इधर लाई कर रहे हैं, तो इसको हर्विज पॉलिनोमियल कहते हैं। 33, रेक्टिफायर पे क्वेश्चन है, आरएमएस वैल्यू VRMS IRMS निकालना है और उसके बाद रेजिस्टेंस निकालना है। तो मेरे सोल्यूशन के हिसाब से तो ये आया है, अब इसमें कोई ऑप्शन शायद मैच नहीं हो रहा है।
33 में कोई ऑप्शन मैच नहीं आ रहा है। चलो 34, एएम की इफिशियंसी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर, इफिशियंसी होती है साइड बैंड पावर अपॉन टोटल पावर, तो साइड बैंड पावर। अब ये जनरल है कि अब यहां दिया नहीं है कि म्यू की वैल्यू कितनी है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो हम अभी एक पुट करके देख रहे हैं। अच्छा, मैक्सिमम की कंडीशन पूछा है ना, तो एक वाले पे ही इफिशियंसी 33.33 आ रहा है, तो इसका आंसर हो गया ए। उसके बाद दो पुट और पे नहीं आएगा 33.33, तो वन पे ही मैक्सिमम आएगा। ठीक है, वन पे ही आ रहा मैक्सिमम। इसके बाद आइए 34 हो गया, 35, एड्रेस लाइन डेटा लाइन हो गया, तो अलग से इसको पढ़ लीजिए, ये इसका सॉल्यूशन है। सॉरी, इसका आंसर हो गया, मेरा क्या आ रहा है, टोटल एड्रेस लाइन 9, तो मेरे हिसाब से तो 9 आ रहा है। चलो 36, डाउट पे है क्वेश्चन। तो आंसर तो यहां मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर ही ऐसे होता है ये वाला। ओके, चलो आगे 36 हो गया, 37 एंटीना का क्वेश्चन है, टोटल पावर और कैरियर पावर दिया हुआ है, हमें एम निकालना है, तो ठीक है, तो एम की वैल्यू 0.8030, यहाँ गया एम की वैल्यू 0.8030, 37 का आंसर आ गया 0.80, 38, फॉल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, क्या गलत है एसएसबी का एडवांटेज ओवर फुल कैरियर एएम। चलो 38 का आंसर हो गया सी, लिखा है मच मोर पावर इज रिक्वायर्ड फॉर सेम निगम, मतलब सिंगल साइड बैंड में कहाँ ज़्यादा पावर रिक्वायर्ड होगा नॉर्मल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से, उसमें तो पावर कम करने के लिए सिंगल साइड बैंड यूज करते हैं, तो ये वाला फॉल्स आ गया, ये तो दूसरे का है, इससे हमने क्या लेना है, हमें तो अपने से ठीक मानना है, तो ये सी इसका आंसर हो गया। 39 नहीं सॉल्व हुआ है, आ जाओ 40 पे। देखिए मेरा जो एरिया है एग्जैक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, तो कम्युनिकेशन के क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे देखने पड़ेंगे, तो उस टाइम तो नहीं सॉल्व हुआ था। फोर्टी, बट क्वेश्चन पता रहना चाहिए, देख लीजिए क्वेश्चन देख लीजिए, ये हो गया आपका कोहरेंट बाइनरी एफएसके पे क्वेश्चन है 39। क्वेश्चन नंबर 40, करंट निकालना है, तो करंट होता है चेंज इन वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये एलईडी के क्रॉस 2 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, तो 10-2 अपॉन इतना, तो 11.8, 40 हो गया।
तो इसका आंसर हो गया बी। उसके बाद 41, रिलेटिव एरर इन पावर करंट वोल्टेज ये सब दिया हुआ है। रिलेटिव एरर इन पावर फैक्टर, पावर फैक्टर होता है कॉस फाई, तो कॉस फाई आ गया पी अपॉन वी आई। तो पी में एरर दिया है, वी में दिया है, आई में दिया है, तीनों जोड़ दीजिए क्योंकि मैक्सिमम लेना होता है ना, तो इसलिए जैसे नीचे है तब भी माइनस नहीं करते हैं, वो टोटल सब पॉजिटिव ले लेते हैं परसेंटेज वाला टर्म, तो सीधे सीधे जोड़ दीजिए बस। 2.5 हो गया, तो 41 हो गया प्लस माइनस 2.5। इसके बाद 42, रेशियो ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट टू मोबिलिटी डी बाई म्यू, के टी बाई क्यू आता है ना, डी बाई म्यू इक्वल टू के टी बाई क्यू मतलब वी टी, तो जहाँ वी टी होता है के टी बाई क्यू, तो ये हो गया डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। 42 का बी। तो ये तो थ्योरी है, ये तो सबको याद रहता है फर्स्ट ईयर में ही, d बाई क्यू इक्वल टू डी बाई म्यू के टी बाई क्यू। तो यहाँ से आ गया टेम्परेचर पे डिपेंड होगा d और म्यू का रेशियो। क्वेश्चन नंबर 43, मेगर इज यूज फॉर, मेजर मेगर जो है वेरी हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता है, मेगर जो है वेरी हाई रेजिस्टेंस यूज करने के लिए, मतलब मेगर से वेरी बहुत हाई रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, वेरी हाई रेजिस्टेंस, हाँ केवल रेजिस्टेंस दिया है बट ये समझिए कि वेरी हाई रेजिस्टेंस ही है। ये दिया है ओवरऑल बीटा निकालना है, इसका बीटा दिया हुआ है, इसका बीटा दिया हुआ है, तो ओवरऑल बीटा निकालना है, तो इसको देखिए कैसे सोल्यूशन है। इसमें आंसर बहुत क्लोज हैं, बहुत लोग को लगता है इसका बीटा हो जाएगा बीटा वन इंटू बीटा टू, जैसे बुकों में दिया रहता है डायरेक्ट, तो वो आंसर भी है बीटा वन इंटू बीटा टू मतलब 100 इंटू 100। तो अब यहाँ एग्जैक्ट हमें निकालना पड़ेगा कि क्या आएगा, क्योंकि ऑप्शन देखिए सारे रखे हुए हैं, अप्रॉक्सीमेट में भी कई अप्रॉक्सीमेट होते हैं मतलब, तो वो सारे सारे क्लोज रखे हैं, तो हमें यहाँ एग्जैक्ट अपना देखना पड़ेगा। तो 44 का देखिए, 44 हमने पहले अप्रॉक्सीमेट से निकाला, फिर देख रहे हैं ऑप्शन काफ़ी क्लोज है। डार्लिंगटन एमीटर पेयर, ये तो नॉर्मल जो ओवरऑल बीटा होता है बीटा वन इंटू बीटा टू आता है, तो ये आंसर आया, बट ये अप्रॉक्सीमेट है, कई आंसर दिए हुए हैं। और एग्जैक्ट सोल्यूशन में आता है बीटा इक्वल टू वन प्लस बीटा वन इंटू वन प्लस बीटा टू, तो ये आ रहा है, ठीक है, 102.10201 102, ये वाला सी आ रहा है आसपास, बट अब हम डिराइव करके देख रहे हैं, मतलब ये अप्रॉक्सीमेट ही समझिए, याद करने के लिए इस तरह से बनाया गया है वन प्लस बीटा वन। अब हम डिराइव करके देखते हैं कि ये रिजल्ट आ कैसे रहा है, ऐसा तो नहीं है ये, इसमें भी कुछ वेरिएशन है, तो ये देखिए हमने किया है, देखिए अब यहाँ से देखिए, अगर हम बीटा लेते हैं तो बीटा होता आई सी अपान आई बी, बट इस सर्किट का अगर बीटा देखेंगे तो आई सी अगर इसको ले रहे हो ये वाला आई सी और आई बी इसको ले रहे हो, तो आपका रिजल्ट थोड़ा सा अलग आएगा इससे जो हमने पहले किया है। ये जो डेरिवेशन है इसमें हमने किया था यहाँ से, मतलब ये वाला हमने आई सी लिया था और आई बी ए, तो वहाँ का रिजल्ट आ गया वन प्लस बीटा टू। इस वाले केस में थोड़ा सा वेरिएशन है, देखते हैं इसको, क्योंकि आंसर ये वाला तो है नहीं ना, 10200 है, यहाँ 201 है वहाँ 200 है, तो देखते हैं। तो ओवरऑल बीटा आई सी अपान आई बी वन, तो आई सी हो गया आई सी वन प्लस आई सी टू अपॉन आई बी वन, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जैसे जैसे किया गया है सब पुट करते चले जाइए।
दूसरे का जो बेस करंट है वो पहले का जो आउटपुट है मतलब इमीटर करंट वो है, तो यहाँ से फिगर से आ जाएगा, ये चीज़ फिगर से आ रही है। यहाँ के बाद ये स्टेप, अगले पे आइए, आई को ब्रेक कर लीजिए। तो यहाँ क्या आया, यहाँ देखिए आ रहा है बीटा वन इंटू, यहाँ से देखिए लास्ट वाला बीटा वन प्लस बीटा वन इंटू बीटा टू, तो समझ रहे हैं ना, या बीटा वन प्लस बीटा टू प्लस बीटा वन इंटू बीटा टू, तो ये आ रहा है। अब इसमें जब रखेंगे तो यहाँ आपका रहा 10200, तो ये आंसर है, तो ये आंसर हो गया। अब इसमें देख कन्फ्यूजन ये है कि, और ये रिजल्ट का ये है कि ये कैसे आया है, ये वाला सबसे पहले वाला, ये वाला इस तरह से आया है, जो आईसी लिए हो वो आईसी टू वाला लिए हो, समझ रहे हो, ये रिजल्ट ऐसे आया है कि यहाँ जो आईसी, ये जो बीटा आप निकाल रहे हो, ये वाला टर्म जो बीटा है, इसमें जो आईसी ले रहे हो ये आईसी टू अपॉन IB1 कर रहे थे, तो वहाँ से वो आ जा रहा है, बट ये सबसे सही है ये वाला, ये बाहर से जो करंट आ रही है वो डिवाइडेड बाई इस पे जो बेस करंट है। तो मतलब इसका आंसर हो गया 10200। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, बीटा वन प्लस बीटा टू प्लस बीटा वन इंटू बीटा टू। तो अगर बीटा बहुत ज़्यादा है तो इस केस में लगभग लगभग आ जाता आंसर, बट यहाँ सारे ही तो बहुत क्लोज हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 हो गया, 44 का आंसर सी आएगा, 45 स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, हाई एक्यूरेसी होनी चाहिए, हाई रिप्रोड्यूसिबिलिटी हाई, तो ये हो गया ऑल ऑफ द अबव। 49, एमीटर करंट इज डबल्ड, VBE क्या होगा, ये तो ये हो गया 45 या 46। देखिए करंट की इक्वेशन लिखी हुई है, करंट को डबल कर दीजिए, तो जो बेस में चेंजेज आना चाहिए वो 18 मिली वोल्ट का चेंज आएगा, ठीक है, VBE माइनस VBE, VBE टू माइनस VBE वन, तो 18 मिली वोल्ट का चेंज आएगा। तो इस तरह से निकालते हैं, फिर से देख लीजिए पूरा, तो ये हो गया, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 46 का सी। आइए 47, बिल्ट इन पोटेंशियल अक्रॉस PN, डोपिंग बढ़ाओगे देखिए सारे फार्मूले लिखे हैं, बिल्ट इन पोटेंशियल वी नॉट वी टी लॉग बेसी एन ए एन डी अपॉन एन आई स्क्वायर, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड है और ये डोपिंग पे डिपेंड है, वी टी पे डिपेंड है वी आउटपुट और एन ए एन डी पर डिपेंड है, तो मतलब डोपिंग कंसंट्रेशन है ना, तो डोपिंग कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से कॉन्टैक्ट पोटेंशियल इंक्रीज होता है, बट लॉग के फॉर्म में इंक्रीज होता है, तो इसलिए स्लाइटली लिखा हुआ है इंक्रीज होता है सी। तो इसका आंसर हो गया सी, तो ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड होता है क्वेश्चन। फिर 48, क्वेश्चन नंबर 48, ये भी कम्युनिकेशन का है, बिट ट्रांसमिशन रेट, क्वेश्चन नंबर 48 पे आइए, क्वांटाइजेशन लेवल 32 दिया हुआ है, तो एल की वैल्यू 32 है तो एन की वैल्यू आ जाएगी 5, सिग्नल फ्रीक्वेंसी 4 है तो इन्फॉर्मेशन रेट होता है आर इंटू एच, तो पुट करिए, तो
4 किलो हर्ट्स मैक्सिमम सिग्नल फ्रीक्वेंसी इंटू एन, अच्छा नंबर ऑफ बिट इज यूज्ड, ठीक है चलो, तो आ गया 20। तो बिट ट्रांसमिशन रेट तो इसका डबल कर दीजिए, जैसे एफ एस इक्वल टू 2 FM होता है ना, तो वही चीज सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी समझिए, बिट इंफॉर्मेशन रेट 2 इंटू इंफॉर्मेशन रेट, तो आ गया 40 हर्ट्स, तो आ गया इसका आंसर 40 किलो बिट पर सेकेंड। हर्ट्स क्या होगा, पर सेकेंड हो जाता है ना, अच्छा यहाँ यूनिट बिट भी यहाँ आ जाएगा, किलो बिट पर सेकेंड, यूनिट यूनिट देख लीजिएगा, यूनिट में यहाँ किलो बिट रहेगा क्योंकि यहाँ बिट से मल्टीप्लाई कर दी ना, और हर्ट्ज को यहाँ किलो बिट पर सेकेंड लिख सकते हो, देखो हर्ट्ज सेकेंड हो जाएगा और यहाँ बिट से मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ क्या है, ये किलो बिट पर सेकेंड आ जाएगा, तो ये यूनिट हर्ट्ज ना होकर के किलो बिट पर सेकेंड, तो ये भी किलो बिट पर सेकेंड, तो 40 किलो बिट पर सेकेंड, तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 48 का सी हो गया, 49। अच्छा ये दिया हुआ है रिवर्स वाइज वोल्टेज इतना है तो डिप्लीशन लेयर इतना है, फिर रिवर्स वाइज इतना है तो डिप्लीशन लेयर कितना होता है, कितना होगा, अब देखो डेफिनेटली देखो, पहले रिवर्स वाइज वोल्टेज 1.2 वोल्ट है तो डिप्लीशन लेयर 2 माइक्रोमीटर है, मीटर में है ना, हाँ, अब रिवर्स वाइज वोल्टेज और बढ़ाया गया तो डिप्लीशन लेयर, जब रिवर्स वाइज वोल्टेज बढ़ाओगे तो डिप्लीशन लेयर बढ़ता है, ठीक है, तो ये डेफिनेटली इससे ज़्यादा ही होगा 2 से, बट सारे ऑप्शन ज़्यादा हैं तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 49 देखिए विड्थ जो होती है इस तरह से आती है, तो वी नॉट, तो वी नॉट में अगर रिवर्स बायस की फॉर्म में देखोगे तो W2 अपॉन W1 दिया हुआ है, तो अंडर रूट, अब देखिए 7.2 प्लस 0.8 1.2 प्लस, इसमें डेटा पुट कर दीजिए सेकंड केस और फर्स्ट केस का, ठीक है, इस तरह से नहीं करेंगे तो फिर इस तरह से कैलकुलेट करिए तो आ गया आपका 4 माइक्रोमीटर, तो ये याद रहना चाहिए, ये रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए, विड्थ जो होता है रिवर्स बायस पे अंडर रूट लगा के उसके प्रोपोर्शनल होता है, अंडर रूट ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज, तो रिवर्स में बिल्ट इन प्लस रिवर्स बायस दोनों पूरा ऐड हो जाएगा। चलो 49 आ गया, 49 का बी आ गया 4 माइक्रोमीटर, 2 से ज़्यादा तो होगा ही, बट ये है कि सारे 2 से ज़्यादा थे तो ऑप्शन से भी आइडिया नहीं लगेगा। चलो इसका आंसर 49 का बी हो गया, 49 का बी। उसके बाद 50 सुपर हेटरोडाइन रिसीवर है, इमेज फ्रीक्वेंसी, इमेज फ्रीक्वेंसी FSI इक्वल टू होती है FS+2 इंटू इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, तो ये सारे दिए हुए हैं इमेज फ्रीक्वेंसी FSI, तो ये निकाल लीजिए, तो आ गया 2100, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी दिया 400, इसका मल्टीप्लाई करिए 900 हो गया और 1200 में जोड़ दीजिए, इमेज फ्रीक्वेंसी आ गई 1291, आ जाओ 51 पर, तो इसका आंसर 21 हो गया। 51 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉइज इज नॉट कंसिडरेबल फॉर ऑप्टिकल डिटेक्टर, 51 थ्योरी है, नेट से चेक करना पड़ेगा क्या इसका आंसर होगा। 52 पे आइए, क्या है डायोड पैरामीटर IS एंड ईटा, सब रिलेशन निकालना है, मतलब ये लॉगरिथमिक एम्पलीफायर होता है ना उसका एक्सप्रेशन लिखना है, तो याद है तो ठीक है, नहीं तो डेराइव करिए, ओके, अगर एक्सप्रेशन याद है, मतलब लॉगरिथमिक एम्पलीफायर लॉग ऑफ इनपुट होता है, बट इसको डेराइव करके देखिए एग्जैक्ट क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, आउटपुट
किसी डायोड की करंट ये होती है, ठीक है, तो इसी में पुट कर दीजिए। आई एफ इक्वल टू आई नॉट इक्वल वी डी अपॉन ईटा वी टी, तो ये आया, तो एंटी लॉग ले लिया, ये आ गया। तो जो वी डी है, वी आउटपुट अगर आएगा, वी आउटपुट इक्वल टू माइनस वी डी, तो वी आउटपुट हमारा हो गया, ये डायोड वोल्टेज है, डायोड के क्रॉस वोल्टेज, मतलब ये वी डी होता है और ये वी आउटपुट, तो एक दूसरे का नेगेटिव होंगे ना, यहाँ जीरो हो जाएगा, इसमें लूप लगाओगे तो दिस प्लस दिस जीरो होना चाहिए, तो एक दूसरे का नेगेटिव होगा, तो वी आउटपुट आ गया, ये इसका नेगेटिव, ये आउटपुट, तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है, इससे मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी आ गया 52 का। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या निकालना है, लोड रेजिस्टेंस निकालना है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में, ठीक है, तो लोड रेजिस्टेंस इसको थेवनिन से निकालेंगे, आरटीएच के बराबर कर दो, ठीक है, ये लोड रेजिस्टेंस निकालना है, तो समझ लो आरटीएच निकालना है, वही थेवनिन इक्विवेलेंट सर्किट का आरटीएच ही निकालना है इसमें, तो आरटीएच के लिए ये सब जो इंडिपेंडेंट है उसको सॉर्टेड कर दो, ये सॉर्टेड हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, तो वो उस कंडीशन को अप्लाई कर दो आरटीएच निकालने की, तो आरटीएच आ गया 15 ओम, ठीक है, तो यहाँ लोड की वैल्यू 15 ओम हो गई, तो यही यही है आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने की कंडीशन। मतलब अब अगर इस सर्किट को रिप्लेस करोगे तो ऐसे बनेगा ना, यहाँ वी टी एच आ जाएगा, यहाँ आर टी एच आएगा और यहाँ आर एल आएगा, तो आर एल होगा आर टी एच के, तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है, तो हमने आर टी एच निकाल लिया, आर टी एच हमारा है 15 ओम, तो इसका मतलब ये भी 15 ओम होना चाहिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए, तो इस तरह से आया, ठीक है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए, उसका आर टी एच निकाल लीजिए। आइए 54 पर, तो ये हो गया 54 है, क्या निकालना है, अच्छा 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, सब कंडीशन दी हुई है, आर और सी की वैल्यू निकालना है, तो फार्मूले में पुट कर दीजिए, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो भी कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है आर और सी का, तो 1/2 πRC, तो 1/2 πR2 इंटू सी, फ्रीक्वेंसी दी हुई है या ओमेगा दिया होगा, जो भी दिया है, ओमेगा दिया है तो 2π हटा दो, ओमेगा दिया है तो ये फार्मूला आ जाएगा, बस R2 इंटू सी आ गया 10⁻⁴, ओपन लूप गेन दिया है 10, सॉरी हाई फ्रीक्वेंसी गेन, डीसी गेन, तो इसमें आ गया, यहाँ से R2 निकल आएगा, R2 R1 का रिलेशन, R1 पुट करोगे तो R2 आ गया, अब यहाँ से इन दोनों से इस तरह से C और R2 आ गया, R1 दिया है ना, ठीक है, फिर क्या, तो इसका आंसर आ गया 54 का आंसर आ गया, आंसर लिखा नहीं है, आंसर आपका 10⁻⁹ farad और 10⁻⁴, सॉरी गलत बोल दिया, 100 kΩ, तो 100 kΩ देखिए कौन से ऑप्शन में है, ये, और म्यू की वैल्यू आ रहा है 10⁻⁹, ये तो 8 आएगा यहाँ से, ठीक है, और कोई क्लोज इसके आ नहीं रहा है, तो डी होना चाहिए, बट सी की वैल्यू में कुछ दिक्कत लग रही है,
चलो अगला क्वेश्चन देखो, आंसर गलत भी हो सकता है, आंसर में डाउट तो लगा ही है, आंसर मिल नहीं रहा है। 55, क्वेश्चन नंबर 55, एफिशिएंसी इन पावर ये दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन हो रहा है, ठीक है, इसकी एक्सप्रेशन एम्पलीट्यूड की ये होती है, तो इसमें ईटा वन ईटा टू मतलब म्यू वन सॉरी म्यू वन और म्यू टू ये हो गया, तो ओवरऑल म्यू आ जाएगा अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर, तो इफिशियंसी होती है म्यू स्क्वायर अपॉन टू प्लस म्यू स्क्वायर, बस पुट कर दीजिए, समझ गए, तो आ गया 19.67, तो इसका आंसर आ गया लगभग लगभग 20%। आइए 56, क्वेश्चन नंबर 56 है, अनसर्टेनिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड फॉर, अनसर्टेनिटी है भाई थ्योरी है 56, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि एनालिसिस ऑफ मल्टी सैंपल डेटा या एनालिसिस ऑफ सिंगल सैंपल डेटा की यूज होता है, यहाँ सिंगल लगा है, मे भी सिंगल है, उसको देख लीजिएगा, बुक से मैंने चेक नहीं किया। चलो 57 पर, इसी दोनों में से है, या तो सिंगल सैंपल या मल्टी सैंपल। 58, ये सब दिया हुआ है और आई ई निकालना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अल्फा दिया हुआ है पहले बीटा निकाल लो, आई होता है 1 प्लस बीटा आई भी, पुट कर दीजिए, आ गया आई, तो यहाँ तो 105 मिली एम्पियर, क्या हमारा क्या आया है, हमारा 100 आ रहा है, ठीक है, देखिए हम जो सॉल्व करें उस पे हमारे हिसाब से तो सी आ रहा है, ये जो टिक लगाया है किसी और ने लगाया है येल्लो से मार्क, तो हमारा आ रहा है 100 मिली एम्पियर, सॉरी एक मिनट, नहीं, इसमें गड़बड़ी है, अच्छा आई सी ये वाली चीज़ दी हुई, इसको हमने ध्यान ही नहीं दिया, अच्छा नीचे सॉल्व किया वहाँ, इसको तो छोड़ ही दिए थे ना, सी बी ओ ये दिया है तब तो फिर यूज ही करना है, तो 100 में ये जोड़ दो बस, नहीं डायरेक्ट नहीं जोड़ोगे 1 प्लस बीटा, तो ये एग्जैक्ट करंट ये हो जाएगी आई सी की, 1 प्लस बीटा आई सी इक्वल टू बीटा आई बी प्लस 1 प्लस बीटा आई सी बी ओ, तो आई सी चेंज हो गया यहाँ 104 हो गया, तो फिर आई ई भी चेंज हो जाएगा, तो आंसर आ गया तो 104 यहाँ आया, तो इस हिसाब से यहाँ से आ जाएगा, फिर आंसर क्या आएगा, इसमें आंसर डी यहाँ लिखा हुआ है 104, लेकिन यहाँ तो एमिटर करंट निकालना है, एक सौ चार तो आई ई अगर देखोगे तो आई 104 से ज़्यादा ही होगा, आई ई होता है आई सी प्लस आई बी या अल्फा आई आई बी, तो आई ई इक्वल टू सॉरी अल्फा ई अल्फा आई सी, तो यहाँ से आ जाएगा 104 इंटू 0.1
0.99, तो यह आ जाएगा 104 इंटू 0.99, तो यह आ रहा है, इसमें भी कुछ ठीक, इसको देख लीजिएगा अभी, ये आईसी है, हमें आईसी नहीं निकालना, आईई निकालना है इसमें से, तो 104 इंटू 0.99 एक्सप्रेशन 102.9 है, बट इसमें भी ये अप्रॉक्सीमेट है ना, एग्जैक्ट नहीं है, तो ये 104 या 5 दो ऑप्शन में से होगा, एक्सप्रेशन देख के निकाल लीजिएगा। ठीक है, आई बी यहाँ क्या है, आई बी आपका है 10⁻³, 103 मिली एम्पियर। हाँ इसको छोड़िए, आई सी ए हो गया, और इसी में आई बी जोड़ दीजिए, आई बी ए है 10⁻³, 1 मिली एम्पियर, तो 105 मिली एम्पियर आ गया ना, तो आई ई हो जाएगा, इसी में आई बी जोड़ दीजिए आई सी में, तो 105। ठीक है, 58 पे आइए, सी एम आर निकालना है, अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम, एक बार वी टू जीरो करिए तो ये गेन आ गया, एक बार वी वन जीरो करिए तो ए टू आ गया, तो वी आउटपुट होता है ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू, ये आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गई। कॉमन मोड गेन ए वन प्लस ए टू, डिफरेंशियल गेन ए वन माइनस ए टू बाई टू, ये निकाल लीजिए, तो ए सी ए डी क्या होता है, डिफरेंशियल गेन अपॉन सी एम एम आर आर हो जाएगा ए डी अपॉन ए सी, समझ गए, अच्छा क्वेश्चन है ये, ए डी बाई ए सी, तो ये आ गया 1000 के आसपास, तो ये आंसर हो गया ए। ठीक है, मतलब ए डी निकालना है अपॉन ए सी निकालना है, तो ये आ जाएगा सी एम आर आर, बट ए डी आपको पता है कैसे निकलेगा, ये इस तरह से ए डी निकलेगा, ए वन माइनस ए टू बाई टू, और ए सी निकलेगा ए वन प्लस ए टू। क्वेश्चन नंबर 59, ये दिया हुआ है, अब इसको अगर कंपेयर करिए, b इक्वल टू होता है a cos ओमेगा, ये दो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं b के, जिस फॉर्म में उसे कंपेयर कर लीजिए, साइन है यहाँ तो साइन वाले से कंपेयर कर लीजिए, तो इस तरह से f यहाँ आ गया, fc आ गया और fm आ गया। ये वाला आपका एफ सी वाला पार्ट होता है और ये बाद वाला एफ एम वाला पार्ट होता है, यहाँ से कंपेयर करिए, तो बस सिंपल एफ सी और एफ एम निकालना है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो एफ सी एफ एम बस कंपेयर कर लो, ये इधर वाला यहाँ से एफ सी आ जाएगा और यहाँ से एफ एम आ जाएगा, तो क्या आंसर आया था, एफ सी आया 95.5, एफ एम आया 199, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 60 क्वेश्चन नंबर 60, इसका आंसर ए आ गया, ये दिया है पाई एम 1 2 3 5 6 7 9 10 11 13 14 15, अच्छा इसको मिनिमाइज करना है, पॉज फॉर्म में दिया हुआ आंसर भी पॉज फॉर्म में ही लिखा हुआ सारा, तो जो एलिमेंट है 0 1 3 2 सब कर दीजिए, ग्रुपिंग कर लीजिए, आ गया
तो प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में आ गया दिस इंटू दिस। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो डी प्लस सी पूरे का बार, देखो कौन सा ऑप्शन है, ये आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन है, सेचुरेशन करंट एंड कट ऑफ वोल्टेज निकालना है। अब देखो जब भी सेचुरेशन करंट निकालना होता है तो यहाँ का वोल्टेज हमें पता होना चाहिए कि सेचुरेशन कंडीशन पे क्या होगा VCE। ओके अच्छा कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ कंडीशन में नो करंट विल फ्लो थ्रू द ट्रांजिस्टर, तो कट ऑफ वोल्टेज आ जाता है इस इक्वेशन से, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो VCC इक्वल टू VCE, तो कट ऑफ वोल्टेज आ गया 12 वोल्ट। ठीक है, सैचुरेशन करंट निकालना है IC, सैचुरेशन के लिए ट्रांजिस्टर ऑन होना चाहिए, तो ट्रांजिस्टर ऑन जब हो जाता है तो ये जो है, अच्छा दो कंडीशन निकालनी, कट ऑफ वाला तो पता चल गया और सैचुरेशन रीजन में क्या होगा, दोनों साइड फॉरवर्ड बायस होता है तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, तो उसमें जो VCE होता है ये वाला वोल्टेज हो जाता है 0.2 या 0 वोल्ट या 0.2 वोल्ट हम कंसीडर करते हैं डेटा में, मतलब शॉर्टेड की तरह बिहेव करता है बट वोल्टेज हम इसको 0.2 लेते हैं, तो करंट वाली वाली क्या आ जाएगी 12 - 0.2 अपॉन दिस रेजिस्टेंस। तो देखिए कैसे निकाला गया, अच्छा इसको हमने अभी 0 ही कंसीडर किया है, तो जर्मेनियम दिया है क्या, जर्मेनियम मैंने लिया है, देखो इसमें ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है इसमें, तो मैंने जर्मेनियम क्यों लिया, ये कंडीशन होती है सेचुरेशन के टाइम पे, ये वाली आती है VCE हम 0 वोल्ट लेते हैं अगर जर्मेनियम है और सिलिकॉन है 0.2, तो अगर अभी कुछ नहीं दिया है तो चलो हम 0 ही मान के कर लेते हैं, कुछ दिया तो है नहीं, तो सबसे सिंपल है कि 0 ही मान के करो, तो आ गया 4.44, आंसर देखो आ रहा है कि नहीं, 4.44 आंसर आ रहा है, और मान लो 0.2 लेके करते हैं तो क्या आएगा, क्योंकि ज़्यादातर में कैल्सी अलाउ नहीं होता है तो 0 लेके ही निकाल लेते हैं, 12 - 0.2 ये आ गया 11.8 / 2.7, तो ये आ गया 4.37, अगर यहाँ ये वाली कंडीशन लेके करोगे तो आ जाएगा 4.37। ठीक है, तो ठीक है, कोई बहुत ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है, विदाउट केएलसी के ये सब एग्जाम है तो ठीक है 0 मान सकते हो, तो आ गया और कोई ऑप्शन नहीं है तो ए हो गया। 62, 10 से 12 फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा रही है, बैंडविड्थ में क्या चेंज आएगा, बैंडविड्थ होता है 2 × β+1 × FM या 2 × ∆f + 2 × ∆fm। तो पहला केस है कि ये इनपुट जो है 10 से 20 कर दिया गया, अब बैंडविड्थ क्या होगा, तो दोनों केस में बैंडविड्थ का डिफरेंस यहां क्या आया, इंक्रीज इन बैंडविड्थ निकालना है, फर्स्ट केस में ये 10 था, दूसरी केस में ये 20 हो गया, तो इस एक्सप्रेशन में रख दीजिए, तो चूंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है ना बैंडविड्थ, ये तो फ्रीक्वेंसी है FM, तो इस तरह से आ गया, अगर दोनों का माइनस करोगे एक दूसरे से तो आ गया 20 kHz। 62 का आंसर आपका आ गया 20 kHz, तो 62 कहाँ है, ये आ गया 20, ये क्या उनसे एम्पलीफायर होता है, अभी हम लोग इसके पहले भी एक क्वेश्चन देखे थे, आउटपुट जो आता है लॉग ऑफ इनपुट, तो लॉगरिथमिक एम्पलीफायर हो गया। 63 ऐसे देख सकते हो आउटपुट का एक्सप्रेशन जब निकालोगे ये उस पूरे मेथड से,
तो वी आउटपुट इक्वल टू आता है ईटा वी टी लॉग बेसी आर आई नॉट अपॉन वी इनपुट। अगर ऊपर ले जाओगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो लॉग ऑफ इनपुट ही बोलते हैं इसको, तो माइनस कर दोगे तो ये इस तरह से लॉगरिथमिक एम्पलीफायर यहाँ से देख सकते हो ये वाले से, तो ये इस तरह से लॉग ऑफ इनपुट है इसलिए लॉगरिथमिक एम्पलीफायर है। तो ये हो गया, ये 63 हो गया। 64 64 का आंसर हो गया सी, 64 का ड्राई ऑक्सीडेशन। 65 क्यू मीटर जो है, सॉरी 65 क्यू मीटर इज बेस्ट सूटेड फॉर मेजरमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस ऑफ ए क्वाइल। ठीक है, क्यू मीटर जो है सीरीज रेजिस्टेंस पे बेस्ड होता है और इससे हम डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस निकालते हैं। चलो, इबर स्मॉल मॉडल बीजेटी वैलिड। देखो इस तरह से आता है, क्यू ट्रू इक्वल टू होता है क्यू मेजर्ड 1 प्लस सी डी बाई सी, जहां सी डी है डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस, तो बाकी सब चीजें दी रहती हैं क्वालिटी फैक्टर, तो यहां से आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस 65 हो गया। 66 इबर्स वॉल मॉडल, डाउट में थ्योरी है कि थ्योरी पढ़ना पड़ता है कि एग्जैक्ट क्या इसका आंसर आएगा, उतना याद रहता नहीं है। ठीक है, तो 66 बुक से देखना पड़ेगा। स्टेप साइज निकालना है, स्टेप साइज होता है वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम अपॉन टू द पावर एन। सारा डेटा दिया हुआ है, फीड कर दो तो 1 वोल्ट आ गया, 1 वोल्ट आ गया। के टी बाई क्यू वोल्टेज होता है, तो वोल्टेज इन्वर्स हो जाएगा, ध्यान दीजिए उल्टा लिखा हुआ, क्यू बाई के टी लिखा हुआ है, तो ये वी टू द पावर माइनस वन। ठीक है, ये हो गया डी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ करंट इन 80 ओम रजिस्टर सोन बिलो, इस वाले पार्ट का करंट निकालना है। इसका सबसे सही तरीका है नोडल एनालिसिस लगाइए, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। अच्छा, मैंने क्या किया, नोडल से नहीं किया है, चलो जिस मेथड से किया उसी को देख लेते हैं। तो इनको हमने इन दोनों को पैरेलल कर लिया, तो 80 × 20/100 रेजिस्टेंस आ गया, इसमें इस जोड़ दीजिए, तो यहाँ से करंट आया इस सर्किट का 2.5 एम्पियर, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन लगा दीजिए, तो यहाँ से आ गया 0.5 एम्पियर। ये 2.5 था और 80 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ कितना करंट आएगा। ओके, तो ये हो गया। अगला ये क्वेश्चन नंबर 70, ये क्या है, डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ द सर्किट, सर्किट किस तरह बिहेव करेगा। इसको हर टाइप का फीडबैक है, इधर पॉजिटिव आउटपुट पॉजिटिव पे भी आ रहा है और आउटपुट नेगेटिव पे भी आ रहा है। अभी डिपेंड करता है ना कि, अच्छा किस सर्किट कैसा बिहेव करेगा। अब हम पॉजिटिव पे वोल्टेज चेक करेंगे और नेगेटिव साइड पे, नेगेटिव टर्मिनल पे वोल्टेज चेक करेंगे, जिसका ज़्यादा होगा उसी टाइप की सर्किट हो जाएगी, उसका बिहेवियर वैसे हो जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किए हैं, दिया जाए इस पे आंसर पे डाउट लगा है। वी आउटपुट ये है, अच्छा इंटीग्रेटर या डिफरेंशिएटर में के ऑप्शन टाइप में है,
तो इसको पूरा एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा आउटपुट का, आउटपुट का एक्सप्रेशन नोडल एनालिसिस से निकालना पड़ेगा, और जो एक्सप्रेशन आएगा उसी हिसाब से डिसाइड होगा कि इंटीग्रेटर है कि डिफरेंशिएटर है, ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आ जाओ 71 पे। ग्राफ थ्योरी मेरा पढ़ा नहीं है तो ग्राफ थ्योरी का क्वेश्चन मैंने नहीं सॉल्व किया, पता नहीं क्या है ये, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको देखना पड़ेगा सॉल्यूशन, मतलब थ्योरी देखनी पड़ेगी बुक से। चलो अगला क्वेश्चन। तो 71 का मुझे नहीं पता, 72 पे आ जाइए। ये दिया हुआ है डेल्टा एफ दिया है, एफ एम दिया है, डेल्टा एफ दिया है, एफ एम दिया है, सॉरी डेल्टा एफ दिया है और एफ एम दिया है। दो सौ चार सौ, तो ये सॉल्व नहीं हुआ है, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया है। 73 पे आई है। इसका रीजन ये है कि कम्युनिकेशन के क्वेश्चन नहीं होंगे मुझसे, कम्युनिकेशन के क्वेश्चन में दिक्कत है। 73 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 73 ये है, देखो ये पॉजिटिव फीडबैक है तो डेफिनेटली ये इसमें ट्रिगर सर्किट हो गई, और तो कुछ रहता नहीं इसमें भाई। पॉजिटिव पे जितना वोल्टेज रहेगा उसी हिसाब से एक बार सेचुरेट हो जाएगा, हाई पे या लो पे दोनों के कंपेयर करेगा बस, तो इसमें ट्रिगर हो गया। 74, 73 इसमें ट्रिगर, 74 ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एम वन एम टू एफ ओम एफ एम वन एफ एम टू निकाल लिए, तो जो सबसे ज़्यादा हो उसी का डबल कर दो। एफ एस निकालना है ना, 3000 का ज़्यादा, 3000 ज़्यादा है नहीं सॉरी 5000 ज़्यादा है, तो इसका डबल कर दो, 2 × 5000 10000 आ गया सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। मिनिमम सैम्पलिंग रेट हो गया 10 किलो हर्ट्स। ये मॉस्फेट दिया है एन चैनल टाइप बेटर देन पी, पी एन चैनल में इलेक्ट्रॉन के थ्रू पास फ्लो होता है करंट, तो और उसमें पी चैनल में होल के थ्रू, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा है, मोबिलिटी, तो एन चैनल फास्टर है। तो 75 में एन, चलो दिए नहीं है बट वही है कि एन चैनल फास्टर होता है, ठीक है। आ जाओ 76 में। ए थर्मोकपल है, हीट एनर्जी ट्रांसफर टू हॉट जंक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये सीवेक इफेक्ट होता है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। हीट हीट देते हैं, मतलब एक जंक्शन इस तरह से होता है, ऐसे टू डिसिमिलर मेटल लेके जंक्शन बना लेते हैं, जैसे मटेरियल ए हो गया, ये मटेरियल बी हो गया, जैसे कॉपर कॉन्स्टेंटन, आयरन कॉन्स्टेंटन, क्रोमल एलुमेल, क्रोमल कॉन्स्टेंटन, ऐसे दो डिसिमिलर कॉम्बिनेशन लेके बना लेते हैं। एक को T1 टेम्परेचर मतलब हॉट जंक्शन दे देते हैं, एक को बहुत लो या 0 डिग्री पे रखते हैं, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में ये हॉट जंक्शन हो गया। अब क्या होगा, अपने आप इसमें से अगर सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है। तो इस इफेक्ट को कहते हैं सीबेक इफेक्ट। तो यहाँ से हीट एनर्जी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, इसका ऑलमोस्ट जो सेंसिटिविटी होती है माइक्रो वोल्ट के रेंज में रहता है। इसी का उल्टा जो है, अगर मतलब करंट अप्लाई करोगे ये सिचुएशन रहेगी, टू डिसिमिलर मेटल लो और इससे करंट फ्लो कराओ, तो एक जंक्शन हॉट हो जाएगा और एक जंक्शन कोल्ड हो जाएगा, उसको पल्टियर इफेक्ट कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन तो पल्टियर का नाम भी नहीं है, तो यहाँ यही है सीबेक इफेक्ट है ये, सॉरी। चलो ये हो गया। अगला क्या है, बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ पीसीएम, पीसीएम का डिसएडवांटेज क्या है। लार्ज बैंडविड्थ बिगेस्ट डिसएडवांटेज, थ्योरी है, थ्योरी देखना पड़ेगा, इसको स्किप कर दीजिए।
ये तो 78 हुआ है, ये क्वेश्चन 78 है। 77 देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। आइए 78 पर, बेस रीजन के लिए एनपीएन सेमीकंडक्टर बनाया गया है, तो बेस इसमें क्या होता है, पी है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर है इस तरह से। तो थर्ड ग्रुप वाले एलिमेंट लगाओगे तो बोरान, एल्युमिनियम बोरान उस तरह वाले सब आएंगे। तो ये पूछ रहा है बेस में क्या डोपिंग की गई है, तो बेस पी टाइप का है, तो पी में पी टाइप बनाने के लिए बोरान या एल्युमिनियम। तो ये हो गया इसका आंसर सी। निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर गेन रिड्यूस करता है, क्योंकि एफ इक्वल टू आता है ए अपॉन वन प्लस बीटा इंटू ए, तो वन प्लस बीटा ए से डिवाइड होता है ना ओपन लूप गेन, तो इसलिए गेन रिड्यूस होता है। क्या फॉलोइंग आर द डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम, फास्ट रिस्पॉन्स, फिडेलिटी, फास्ट रिस्पॉन्स, फिडेलिटी, मेजरिंग लाइक डायनमिक एरर। तो इस हिसाब से तो बी आ रहा है, तो यहाँ डायनेमिक रिस्पांस जो होता है फिडेलिटी होता है, फास्ट रिस्पांस होता है, मेजरिंग लैग और डायनेमिक एरर। मतलब मेजरिंग लैग कम होना चाहिए, डायनेमिक एरर कम होना चाहिए, रिस्पांस फास्ट होना चाहिए, फिडेलिटी जो है वेरी हाई होना चाहिए, ये सब चीज़ें हाई होनी चाहिए, और ये नेचर कम होना चाहिए, बहुत कम लैग होना चाहिए उसमें। तो अब देखो ऑप्शंस के हिसाब से। अच्छा डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है ना, ये तो सारे करेक्टरिस्टिक्स हो गए, डायनेमिक करेक्टरिस्टिक्स ये सारे हो गए। डिजायरेबल मतलब जो ज़्यादा चाहिए, फिडेलिटी ज़्यादा चाहिए और फास्ट रिस्पॉन्स फास्ट चाहिए, और ये कम चाहिए तो नॉन डिजायरेबल में आएगा, मतलब जिनकी रिक्वायरमेंट कम होनी चाहिए, कम से कम हो वो। तो डिजायरेबल पूछ रहा है ना, ये केवल नहीं कह रहा है कि डायनेमिक करेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, डिजायरेबल में ये आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया सी। ये निकालना है एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स, ठीक है, जैसे बोर्ड प्लॉट ड्रा करते हो तो एंगल ऑफ असिम्प्टोट ये होता है ना कि कुछ पोल्स जो हैं इनफाइनाइट पे जाके मिलते हैं, तो उसी के पैरेलल लाइन ड्रा की जाती है, तो वो असिम्प्टोट्स होते हैं, वो एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेंगे, तो वो एंगल जो कहलाएगा वो एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स कहलाएगा। इसका फार्मूला 81, ये फार्मूला है 2q+1 अपॉन p-z इंटू 180। तो q इक्वल टू, अब p-z मतलब नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ जीरो, तो पोल इसमें 3 है और जीरो, एक भी जीरो नहीं है। ट्रांसफर फंक्शन देखिए, ये 2 1 3 तीन पोल, तो अब यहाँ देखिए 180/3 मतलब 60। अब 60 को तीन पोल है ना, तो पहला 60 हो जाएगा, फिर उसका q इक्वल टू जीरो किया तो 60, q इक्वल टू वन किए तो 60 × 3 180 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर 5 आ जाएगा, जब 3 पुट दो पुट करोगे तो 6 और 300, मतलब इस तरह से 6 180 और 300, समझ गए। तो इस तरह से एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स आ गया, तो ये याद रहना पड़ेगा 2q+1 अपॉन p-z इंटू 180। सैंपल एंड होल्ड सर्किट की कंडीशन पूछ रहा है, सैंपल एंड होल्ड सर्किट इज रिक्वायर्ड टू कीप द एडीसी इनपुट टू ए फिक्स वैल्यू ड्यूरिंग द कन्वर्जन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये क्या है, बाइनरी इक्वल टू, अच्छा बाइनरी ये नंबर है, एक दो आंसर है, एक 8 बेस पर एक 16 बेस पे, दोनों को कन्वर्ट कर लो, अगर दोनों हैं तो बोथ ऑप्शन ए और बी आ जाएगा। देखो क्या आ रहा है, 83 हमने बेस 8 पर कर लिया, सॉरी ये है बाइनरी,
पहले हमने अच्छा इसमें हमने अच्छा शॉर्टकट से यहाँ कर दिए। ये देखो यहाँ से शॉर्टकट से किया गया है, तीन तीन बिट का कम्बिनेशन बना लीजिए, डेसिमल के इधर से चल के, डेसिमल के इधर से चल के, तो ये आ गया ये। और ऐसे 16 के लिए चार चार बिट का कम्बिनेशन बना लीजिए तो आ गया। तो अगर दोनों ऑप्शन सही है तो ये आ गया 8 पे, ये 16 पे, 10 पे भी किया गया है। तो देख लीजिए आंसर से, तो बी और सी दोनों सही हैं। तो इसका आंसर हो गया 83 का सी। 84 ये थ्योरी है, इनपुट जीरो नहीं है, इनिशियल कंडीशन जीरो लेके चल रहे हो, तो कहते हैं जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। ठीक है, 84 हो गया। वन मिनट, फोर है द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम टू नॉन जीरो इनपुट एंड जीरो इनिशियल कंडीशन। तो ये आ गया जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, बस इसको याद रखना ये रिजल्ट। तो इसका आंसर हो गया 84C, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। 85 इन द सर्किट सोन वी सी 0 वोल्ट एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड, 40 ग्रेटर देन 0 कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिखना है। तो देखिए करंट हमने को सबको एस डोमेन में कन्वर्ट कर लिया है, तो इसमें जो करंट जा रही है कैपेसिटर में उसकी एक्सप्रेशन लिख लिया। दूसरा मेथड ये किए हैं कि डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया है। देखो जैसे सप्लाई दिया गया, धीरे धीरे क्या होगा, ये ओपन सर्किट लास्ट में बन जाएगा। जैसे 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 करंट जाएगा तो लास्ट में ये ओपन सर्किट बन जाएगा, मतलब वोल्टेज बढ़ने लगेगा। तो ओपन सर्किट बनने का क्या मतलब है, लास्ट में करंट जीरो हो गया, नो करंट विल फ्लो, तो करंट डिक्रीज होगी। पहले बहुत हाई करंट रहेगी, तो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन आता है। तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन से करना ज़्यादा आसान है। तो देखिए सबसे मैक्सिमम करंट हो जाएगा, शॉर्टेड लेके कर लेंगे, ये शॉर्टेड होगा तो कितनी करंट इससे फ्लो करेगी, तो इस वाले पाथ से तो कोई करंट ही नहीं जाएगा अगर ये शॉर्ट हो जाएगा। तो ये आ गया दिस, अब ये आ गया आपका ICT। ठीक है, देखिए R जो है ऑपरेट होने, स्विच अगर ऐसा स्विच उच लगा है तो स्विच ऑपरेट होने के बाद लेते हैं, तो आर हो जाएगा 10 और 20 और 20 का पैरेलल। तो ये आ गया, ये इस तरह से घटने लगेगा धीरे 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 धीरे, क्योंकि कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ेगा तो वो ओपन बनाएगा और करंट धीरे धीरे घटता रहेगा। तो यहाँ से इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, एट्टी सिक्स पे आ जाइए। जर्मेनियम डायोड इज ऑपरेटेड एट ए जंक्शन टेम्परेचर ऑफ दिस,
जर्मेनियम के केस में ईटा वन होता है, तो ये सॉल्व कर लीजिए दोनों कंडीशन लेके। तो आई डी टू निकालना है, तो ये आ गया आई डी टू इक्वल टू 469.9। तो ये लगभग लगभग ये क्वेश्चन देखिए 87 आई बी ए, ये करंट और वी ए सी यहाँ का वोल्टेज निकालना है। तो इन सब में इधर वाले को हमने क्या किया है, जो कंडीशन दी हुई है वो अप्लाई कर दीजिए, सॉल्यूशन देख लीजिए समझ में आ जाएगा। वोल्टेज के फॉर्म में लिख लिया क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में था, तो मतलब इस तरह से नॉर्टन फॉर्म में था, थेवेनिन फॉर्म में कर लिया, ऐसे इधर भी कर लिया, तो इजी सर्किट हो गया। अब ये करंट निकालना है, बस केवीएल लगा देना पूरे सर्किट में, टोटल आर कर लीजिए, ये करते चले गए। ये आ गया आई बी ए, अब यहां से इंडिकेट कर लीजिए वी ए बी, तो यहां से आ गया 27.6, तो आंसर हो गया डी। तो इसका आंसर आ गया डी। अगला ये 88 पर सिस्टम स्टेबल है या नहीं ये चेक करना है। तो इसमें हमें करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस देखनी होती है स्टेबिलिटी के लिए। अब ये क्लोज लूप सिस्टम दिया है, तो इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर टर्म है ये पूरा आपका करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हो जाएगा। कभी कभी ओपन लूप दिया रहता है तो 1+GSHS करना होता है। तो ये पोल हो गया ये वाला पूरा, ठीक है। कैसे लिखा है अनस्टेबल, अब ये देखो जो हर्विज पॉलिनोमियल होता है ये कोफिशियंट जो है पॉजिटिव होने चाहिए तभी चेक कर पाओगे। तो यहां से ही अनस्टेबल आ गया, कोफिशियंट नेगेटिव होने की वजह से। मतलब कुछ ना कुछ सम रूट्स विल लाई इन आरएचएस साइड, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है मैक्सिमम वी मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम, पुट कर दीजिए आ गया 89 का डी। क्वेश्चन नंबर 90 90 क्वेश्चन मार्क है। कम्युनिकेशन का है ना, क्वेश्चन नंबर 91 इसको देखना पड़ेगा, ये नहीं हुआ है। 90 91 पे आइए, ये इसका सोल्यूशन है आई डी इक्वल टू आई डी एस एस 1-VGS अपॉन VP होल स्क्वायर, ये देख लीजिए। और डेटा पुट करना है, ये आ गया B 91 का B। 93 स्टेडी स्टेट आउटपुट निकालना है। ये दिया है ट्रांसफर फंक्शन दिया है और इनपुट दिया गया है इंपल्स इनपुट, तो आउटपुट होता है ट्रांसफर फंक्शन इनटू लैपलास ऑफ इनपुट, तो डेल्टा टी का 1 आता है।
तो ये आउटपुट आ गया, आउटपुट का ट्रांसफर फंक्शन। तो आउटपुट को फिर टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर लीजिए, एस डोमेन में है, तो पार्शियल फ्रैक्शन करके अभी हमने टाइम डोमेन में कर लिया, ये टाइम डोमेन में आ गया, ठीक है। अब टी इक्वल टू वन पे पूछ रहा है, तो वन पुट कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा, तो आ गया 0.2326। यही तरीका है, मतलब वाई टी की एक्सप्रेशन आप पहले निकालिए, आउटपुट निकालिए एस डोमेन में, फिर आउटपुट वो वाई एस को वाई टी में करिए, और ये टाइम पुट करिए, इतना पूरा काम रहता है इसमें, ठीक है बड़ा। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ रहा है 0.2326, तो कोई आंसर तो आ नहीं रहा इसमें से, पता नहीं आंसर सही है कि क्या गड़बड़ी है, आंसर में क्या गड़बड़ी है। चलो मैंने कर दिया, तरीका बता दिया, देख लीजिएगा। 93, अच्छा क्यूब है, उस पर सब पे 1 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है, 12 आर्म्स होती हैं, 12 भुजाएं होती हैं ना क्यूब में, तो सब पे 1 ओम रेजिस्टेंस दिया गया है, और ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना है डायगनली अपोजिट साइड। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, गेट में भी बहुत पहले आया है। इस तरह से बन गया, 4 नीचे हो गई, 4 ऊपर, 9, 10, 12 भुजाएं हो गई, 12 आर्म्स हो गए। तो ये करंट निकालना है, वोल्टेज आरटीएस निकालना है, तो आर निकलेगा वी बाई आई से, तो इस पूरे सर्किट यहाँ का और यहाँ यहाँ के बीच करंट पता हो, और यहाँ यहाँ के बीच का वोल्टेज पता हो। तो हमने आई एज्यूम कर लिया, इस तरह से डिवाइड किया, यहाँ गया 3 पार्ट में, ये सब पूरा डिवाइड हो गया, वो समझ में आ जाएगा। यहाँ गया तो तीनों रिस्टेंस सेम है, तो 3 i/3 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 भाई, 3 हिस्से लग गए ना। फिर आगे जैसे गया i/3, तो यहाँ और यहाँ इसके 2 हिस्से लग गए, i/6 i/6। तो इस तरह से फिर घूम के वापस आई आ गया। तो यहाँ से KVL लगाइए किसी भी लूप में, किसी भी तरह से, तो इस तरह से ये इक्वेशन बनेगी। केवल होता वोल्टेज हो जाएगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस, चाहे यहां से ऐसे ऐसे लगा लीजिए, ठीक है। तो डायगनली अपोजिट, तो फिर रेजिस्टेंस आर अभी जूम करके हम चल रहे हैं, तो आर यहां पुट कर दीजिए उस पार्ट का रेजिस्टेंस, तो वी बाई आई जो आ गया 5/6 ओम, मतलब इस यहां से 5/6 ओम आ गया, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर क्या होता है पूछ रहा है। नाइन्टी फोर को बुक से देखना पड़ेगा। अगला आइए, एलईडी में यूज होता है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, जैसे थोड़ी सी एनर्जी दे दी जाए तुरंत वो चार्ज हो जाता है, ठीक है, जब वो मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, बट रिटर्न होगा तो बीच में कहीं रुकेगा नहीं, ठीक है, वापस फिर वैलेंस बैंड में ही आएगा, तो उसका एलईडी बनाने में यूज होता है। बाकी जो जनरल जो सेमीकंडक्टर मिलते हैं वो इनडायरेक्ट बैंड गैप हैं, जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन, जर्मेनियम सिलिकॉन जो है ये इनडायरेक्ट गैप है, और जो डायरेक्ट है GaAs, ये आपका डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है, ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट, ओके। तो ये हो गया, बस याद रखना पड़ेगा इसको। चलो GaAs हो गया डायरेक्ट, आगे आइए 95। तो इसकी थ्योरी देखनी पड़ेगी, 95 आइए, मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है,
मॉडुलेशन इंडेक्स होता है डेल्टा एफ अपॉन एफ एम, डेल्टा एफ हो गया के एफ ए एम अपॉन एफ एम। तो सारी वैल्यू पुट कर दीजिए जो जो दिया हुआ है, तो यहाँ से आ गया 4। नाइन्टी फाइव का हो गया 4। नाइन्टी सिक्स, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो बोला गेन इतना है बैंडविड्थ इतना है, गेन बढ़ा दिया गया तो बैंडविड्थ डेफिनेटली घटेगी, एक चीज़ बढ़ाओगे ये 200 की है तो ये घट जाएगी, तो वही पूछ रहा है घटने के बाद कितना होगा, तो यहाँ से बैंडविड्थ 2 हो गया 500 किलो हर्ट्ज, तो यहाँ से रिड्यूस 2, ये आ गया ए आ गया 96 का। 97 इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है, 96 का ए आया। उसी का ही आंसर लिखा हुआ था, ऊपर जो आंसर था ये 96 का ही है, वही लगा। 97, अब इसमें देखिए ऊपर 2 है मैक्सिमम ऑर्डर पावर, नीचे भी 2 है, तो ऊपर हमें कम होना चाहिए ना, न्यूमिरेटर में कम होना चाहिए, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद इस तरह आ गया, ये आ गया। अब आइए, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा तब इन्वर्स निकलेगा, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा फिर तब जाके निकलेगा। सॉल्व नहीं किए हैं, कर लीजिएगा इसको, ठीक है, इसको करना पड़ेगा। फिर आ जाओ 98 पर, 98 कैश कोड CECB होता है, कैश कोड CECB, कॉमन मीटर कॉमन बेस, तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको, CECB कॉन्फ़िगरेशन को कैश कोड कहते हैं। उसके बाद 99, क्वेश्चन नंबर 98 के बाद 99, एक्युमुलेटर के कंटेंट को कैसे मॉडिफाई किया जाएगा, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, इसका आंसर बी आ रहा है, ए का डेटा इसमें बी में जाएगा और ए है, ए का ए के साथ और, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100, अब देखिए फ्रीक्वेंसी दिया है, तो फ्रीक्वेंसी इनके कॉम्बिनेशन से बनेगा 1/2 पाई RC, RC जहाँ है R2 × C, 1/2 पाई R2 × C, तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो R2 यहाँ से निकल आएगा, C की वैल्यू दी हुई है तो 100 हो जाएगा। यहाँ आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 100, 1/2 पाई R2 × C, तो यहाँ से R2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 101, हाउ मेनी बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इतने इन बाइनरी फॉर्म, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके देखिए कितने बिट्स लगेंगे, ठीक है। 10^6 है ना,10^3, 3, 6 तो इसको जो क्वेश्चन नंबर मैं कैलकुलेटर से देख रहा था, तो उसी को कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, इसमें आ रही ना, इसकी रेंज से ही बाहर हो जा रहा है, 20 का कोई रेंज ही नहीं है, ठीक है। तो
तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। उसके बाद 102, 101 हो गया, 101 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 101 हो जाएगा। 102, 102 क्या है? पिंच ऑफ वोल्टेज ये है, कट ऑफ वोल्टेज क्या होगा? ये थोड़ा डाउट है, ठीक है। 102 नहीं हुआ है, 102 पे डाउट है। उसके बाद ये डेल्टा से स्टार में जाना है, फार्मूला लगा दीजिए, तो इसका आंसर आ गया 103 का। ये देखिए स्टार ऐसे किया गया है, तो ये आ गया आंसर 103 का, 315, 31.59, तो 103 हो जाएगा। उसके बाद 104, 104, 104 देखिए, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, तो इसमें निकालना है करंट आई, ये वाली करंट, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखा जाए, इसको बेसिक मेथड से किए हैं हमने। आई वन यहाँ एज्यूम कर लिया, आई वन वन, सॉरी, आई वन यहाँ एज्यूम किया। तो अब देखिए इसमें क्या है, जैसे ये टू आर, टू आर बन के आर हो जाएगा, ये आर और ये टू आर, ये बन के, सॉरी, टू आर, टू आर आर आया, आर में आर जुड़ गया, टू आर आया। फिर ये ऐसे ऐसे करोगे तो यहाँ इक्विवेलेंट इन पूरे का रेजिस्टेंस आर आ जाएगा, तो करंट जो जाएगा वी आर बाई आर, तो 10 वोल्ट अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, 10 किलो ओम, तो 1 मिली एम्पियर। समझ रहे हैं ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का पूरा जब आर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10 किलो ओम, या आर बचेगा तो करंट निकल आएगा यहाँ से। तो करंट आ गया, अब ये करंट यहाँ दो पार्ट में गया, आई वन बाई टू, यहाँ आई वन बाई टू ऐसे गया, तो इस वाले पार्ट में जब पहुँचेगा तो आई वन बाई 16 हो जाएगा, ठीक है। तो आई वन बाई 16, तो 1 मिली एम्पियर बाई 16, 62.5 नैनो एम्पियर, इस तरह से आता है। मतलब ज़्यादा फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल वे में करते चले जाइए, अपने आप आ जाएगा। बस ये हमें स्टार्टिंग पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना करंट होगा, तो इसके लिए करंट निकालने के लिए हमें पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका निकालना पड़ेगा बस। तो ये आ गया 62.5। अगला क्वेश्चन है, कितने कम से कम गेट लगेंगे नैंड या नॉर बनाने के लिए, ए प्लस बी सी। देखिए कैसे बनेगा ये, अभी हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये जो एफ एक्सप्रेशन दिया है ऐसे नॉर्मल बना लेते हैं जिससे भी बन रहा है, जैसे ए प्लस बी सी, बी सी एंड गेट से लिए और ए, तो ये बन गया। अब ट्रिक क्या है कि हम यहाँ ऐसे लाइन खींच देते हैं इसको, और यहाँ एक बबल लगा देते हैं, यहाँ बबल लगा दिए, जैसे ये बबल यहाँ लग दिए, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लाइन खींचने के बाद क्या हो जाएगा, ये इधर वाली पूरी नैंड बन गया है, ये देखिए पूरा नैंड में कन्वर्ट हो गया, एंड गेट नैंड में कन्वर्ट हो गया। और इधर बबल आर जो होता है वो आगे आप पढ़ेंगे, बबल आर जो होता है वो भी नैंड ही होता है, तो ये पूरा जो है नैंड की तरह वर्क करेगा। ठीक है,
तो यहाँ यहाँ बबल लगाए हैं, तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए बबल तो लगाया है, फिर उसको हमने नैंड गेट से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से हमें क्या मिला, सॉरी, 3 नैंड गेट मिले। ठीक है, आगे देखिए, ए प्लस बी इसको नंबर ऑफ नैंड गेट आ गया आपका 3। इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए प्लस सी। तो ये हो गया ए प्लस बी, ये हो गया ए प्लस सी, मल्टीप्लाई कर दिए। अगर इस तरह से देखोगे तो और इजी समझ में आएगा। तो ये आ गया 18, नॉर गेट के फॉर्म में रख रहा है। तो ये आ गया, ये नॉर हो गया, ये नॉर हो गया, ये बबल्ड नैंड हो गया, ये भी नॉर हो गया, सॉरी बबल्ड एंड, ये कन्वर्ट हो जाता है, बनता है नॉर में। तो इस तरह से नॉर गेट भी 3 लगेंगे। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर 3 हो गया। अगला क्वेश्चन 106, जेड ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस होता है, तो ये इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा जेड का। तो इसमें पोल किस कब मिल रहा है, पोल मिल रहा है s=0 पर। s=0 पर ट्रांसफर फंक्शन इनफाइनाइट हो रहा है, मतलब इसका एक्सप्रेशन इनफाइनाइट हो रहा है, तो पोल 0 पर मिल रहा है। इस क्वेश्चन को अभी इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी गई है, तो इसको भी लीव कर दो, इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं पता है क्या आएगा। अगला 106, सॉरी 106 हो गया, इसको छोड़ दो। प्रिसीजन क्या होता है, सेम रीडिंग को रिपीट करना, रिपीटेबिलिटी। उसके बाद ये निकालना है आउटपुट वोल्टेज। देखो दोनों साइड दिया है, नोडल एनालिसिस से इसको आराम से करिए। ठीक है, नोडल से करिए, आराम से आ जाएगा 108। एक एक्सप्रेशन ये लिख दिए, क्या आया अभी आउटपुट, -5.5। ये देख लीजिए बस कैसे किया गया है। एक बार यहाँ वी एक्स ले लीजिए और एक वी आई ले लीजिए, उसी के फॉर्म में लिखते चले जाइए। वी एक्स वी आई सेम कर दीजिए। तो इस तरह से -5.5 वी आउटपुट आ गया। इसके बाद 109, करंट गेन जो बीटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। देखो आर बी डैश ई होता है एच एफ ई अपॉन जी एम, तो एच एफ ई हो जाएगा जी एम इंटू आर बी डैश ई। आर बी डैश ई को आर पाई भी बोलते हैं। तो ये आ गया 109 का आंसर। आंसर ये हो जाएगा 110 परसेंटेज रिजोल्यूशन 1/(n-1)×100। ये परसेंटेज रिजोल्यूशन का फॉर्मूला होता है, 1/(n-1)×100। बस पुट करिए, 6 बिट का है तो 6 बस आ गया 1.59। इसको सॉल्व करना है, मेसन्स गेन फार्मूला से ये निकलेगा, डेल्टा निकाल लीजिए और ट्रांसफर फंक्शन। तो ये आ गया
तो ये हमारा आ गया ट्रांसफर फंक्शन ये। इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालिए अगर इसके मैच हो तो सही है, तो वही चीज़ की गई है, सबसे मैच करिए। तो पहला वाला मैच हो रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। उसके बाद 112, सो 112 कहाँ गया, अच्छा ये ऑप्शन दिया हुआ है फ्लैश टाइप, इसी गलत पेज पे प्रिंट हो गया है क्वेश्चन स्कैनिंग में। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ 112 है, व्हाट इज़ द फास्टेस्ट टाइप ऑफ एडीसी कन्वर्टर, ये क्वेश्चन है, दिख रहा होगा व्हाट इज़ द, यहाँ क्वेश्चन है और यहाँ ऑप्शन है ये, व्हाट इज़ द फास्टेस्ट टाइप ऑफ ए टू डी कन्वर्टर, तो ये फ्लैश टाइप होता है, बस इसका आंसर फ्लैश हो गया, 112 फ्लैश टाइप एडीसी। 113 पा जाओ, वी आउटपुट और वी इनपुट के बीच फेज एंगल निकालना है, सब कंडीशन दिया हुआ है, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट बना लिए, इन्वर्टिंग है, इन्वर्टिंग है, मॉड ले लीजिए क्योंकि यहाँ माइनस, अदरवाइज माइनस लेना पड़ेगा, चलो मॉड कर ले रहे हैं अभी, मतलब नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो ये आ गया, इसका फेज निकाल लीजिए, फेज निकालिए और फेज में जो कंडीशन दिया आउटपुट कर दीजिए ओमेगा की वैल्यू, तो ये आ गया 90 डिग्री, ठीक है 90, तो ये आ गया 90। इस तरह निकलेगा, पूरा देख लीजिए एक बार फिर से, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद टेन इनवर्स निकालना है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर लास्ट में ओमेगा की वैल्यू वही पुट कर दी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 114। ये मैसेज सिग्नल है, ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा, ये मैसेज यहाँ पहुँच गया और नेगेटिव साइड में इधर पहुँच जाएगा, तो अब क्या करना है, इस फिगर से देखिए 2WM ये हो जाएगा, ओमेगा सी बाई 100, तो यहां से आ गया ओमेगा सी, उसके बाद 115 एफ एस को आता है 2 FM के बराबर, तो यहां से एफ एस आ गया 4 MHz, तो ये 4 MHz आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, 116 क्या है, के की वैल्यू पूछ रहा है कि स्टेबल जोन में क्या होगा स्टेबिलिटी के लिए, तो बस ऐसे क्वेश्चन राउथ हर्बिस टेबल से ही निकलेंगे,
टेबल बना लीजिए, ये आ गया। तो इसमें पहले तो ये सॉरी ये जो कॉलम है फर्स्ट कॉलम, ये सारे एलिमेंट पॉजिटिव होने चाहिए, पॉजिटिव है 1 और ये माइनस के प्लस टू सॉरी माइनस के माइनस ब्रैकेट में के प्लस टू 0 होना चाहिए, तो के माइनस 2 से छोटा होना चाहिए। और जो आपका ये जो है ये टर्म जो है सारे कोफिशियंट पॉजिटिव होने चाहिए, तो 2k प्लस 5 भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो 2k प्लस 5 यहाँ से देख लो या एक करैक्टरिस्टिक इक्वेशन से सारे कोफिशियंट पॉजिटिव होने चाहिए, तो यहाँ से भी पॉजिटिव, तो k माइनस 2 से छोटा, k माइनस 2.5 से बड़ा, तो कोई ऑप्शन तो मैच नहीं हो रहा। अच्छा इस तरह से दिया हुआ आंसर, k माइनस 2 से छोटा और k माइनस 2.5 से बड़ा, तो ये आंसर हो गया। अगला तो इसको देखा जाए तो इस हिसाब से ये ऑप्शन यहाँ डी आ रहा है, ठीक है। इन्होंने ऑप्शन तो दे दिया है, और क्यों दिया है, ये और वर्ड क्यों यूज किया है, दोनों कंडीशन होनी चाहिए ना, ये भी और ये भी एंड होना चाहिए मेरे हिसाब से। भाई मान लो ये कंडीशन हमने चेक की, ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, अथवा वाला कोई बात नहीं है। माइनस टू मान लो हमने संख्या रेखा पर ड्रा किए और माइनस टू पॉइंट माइनस टू से छोटा इधर और माइनस टू पॉइंट फाइव से बड़ा, माइनस 2.5 से बड़ा, तो ये कॉमन आ रहा है। आंसर देखो क्या आ रहा है, तो ये डी तो होगा नहीं, बी आएगा, माइनस 2 से छोटा 2.5 से बड़ा, तो बी आ जाएगा। तो 116 का आंसर बी, डी गलत है, बी आएगा, ठीक है। देखो वहाँ से पकड़ में आ गया था, और कभी नहीं होता, सारे का इंटरसेक्शन होता है, सारे केसेस एंड में जाते हैं, तो ये गलत है, जिसने भी हाईलाइट किया है तो ये गलत है, ये आ रहा है 117। स्टेबिलिटी की फिर कंडीशन चेक करनी है, सेम टाइप का क्वेश्चन है 116 जैसा, तो सेम टेबल यहाँ बनेगा, ये सारे एलिमेंट पॉजिटिव होने चाहिए टोटल, तो यहाँ से आ गया k पॉजिटिव, k ग्रेटर देन 0 और k 8/9 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ये हो गया ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 118, देखो दो टाइप से सैम्पलिंग होता है, वोल्टेज सैम्पलिंग करंट सैम्पलिंग। अगर ऊपर से सिग्नल लिया जा रहा है तो वोल्टेज सैम्पलिंग कहते हैं, आउटपुट ऊपर से लिया जा रहा है, नीचे से लिया जाएगा तो करंट सैम्पलिंग हो जाता है। तो यहाँ ऊपर से लिए रहे हैं, यहाँ से मतलब कलेक्टर टर्मिनल से, तो वोल्टेज सैम्पलिंग हो गया, तो ये सैम्पलिंग हो गया। मिक्सिंग, मिक्सिंग को होता है ये जो सिग्नल है ये कैसे मिक्स हो रहा है, अब ये देखिए वोल्टेज के साथ अगर इसमें लगाओगे KVL तो ये यहाँ वोल्टेज हो ही होना चाहिए तभी इसके साथ ऐड हो पाएगा, तो मिक्सिंग जो है यहाँ सीरीज हो गई, ठीक है। ये अगर सीरीज के ही फॉर्म में रहेगा तो ही ये जुड़ पाएगा इसे, ये वोल्टेज है तो ये भी वोल्टेज होना चाहिए, तो यहाँ मिक्सिंग सीरीज हो गया, वोल्टेज सैम्पलिंग सीरीज मिक्सिंग। तो दूसरा और ऐसे तरीके हैं, ऐसे फीडबैक रेजिस्टेंस दिया रहता है उसके बाहर है,
तो यहाँ वो चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है। यहाँ बस ऐसे ही देखना है कि लूप से देखना है कि लूप में क्या बन रहा है। तो ये वोल्टेज होना चाहिए, अगर ये वोल्टेज है तो मिक्सिंग सीरीज होगा। अगला सिग्नल फ्लो ग्राफ ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। अगला 120, करंट निकालना है, ये और ये शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, वी डी एस इक्वल टू वी जी एस, तो ये सैचुरेशन रीजन में हमेशा रहेगा, मतलब हमेशा ऑन रहेगा भाई ये वाली। इसके बाद क्या होता है सैचुरेशन रीजन, तो सैचुरेशन रीजन में वी डी एस इक्वल टू और ग्रेटर देन वी जी एस माइनस वी टी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, तो बस इसमें फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, इक्वेशन हो गया वी जी एस इक्वल टू वी डी एस। तो ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अब जो डेटा दिया उसको पुट कर दो, तो इस हिसाब से 4 mA आ गया। ये क्वेश्चन तो 4 mA आ गया। आईसी निकालना है, तो हमने उस सर्किट को जो बेस वाला रीजन है उसको RTH और VTH के फॉर्म में कर दिया है। तो VTH ऐसे निकाला गया है, RTH ये निकाला गया है। तो IV करंट निकाल लीजिए, तो आ गया 4 mA। सॉरी 10 mA, वैल्यू ऑफ आई से निकालना है। इसमें कुछ सोल्यूशन में मुझे गड़बड़ी लग रही है। देखिए अगर इसको देखो तो इससे ये वाली करंट, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 होता है, क्योंकि हम अगर बीटा लार्ज है तो आई बी बहुत कम होगा, ठीक है। यहाँ यही दिया होगा, बीटा लार्ज दिया हुआ ना, तो बेस करंट बहुत कम होगा, तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा ये 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, इसमें अगर केवीएल लगाओगे तो यहाँ जो रहेगा, यहाँ तो आई ई फ्लो हो रहा है ना, आई ई, तो इस तरह से आपका बन गया -5। ऐसे लूप देखो, -5 प्लस 0.7 प्लस आई ई इंटू 430 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आई ई आ जाएगा 5 - 0.7, तो ये आई बी ना होकर के ये आई ई होगा, ओके। तो ये आ गया, तो आई ई और आई सी ऑलमोस्ट सेम होगा, तो यहाँ आई ई इस तरह से, तो ये गलती थी इसमें, आई बी लिखा हुआ था वो आई ई है। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 122। डिजिटल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है वेव फॉर्म पीसीएम की मदद से। 123, आरटीएच या जेडटीएच निकालना है पी और क्यू के बीच में।
तो यहाँ से देखिए, ये लोड सॉर्टेड मतलब ये सप्लाई सॉर्टेड हो जाएगी और ये बैटरी ओपन हो जाएगा। बस यहाँ से सिग्नल चला, ये सीरीज में और इधर ये सीरीज में, फिर दोनों को पैरेलल में बना दीजिए 123। ये आ गया, ये आ गया, सिंपलीफाई कर लीजिए, 1 आ गया। तो 123 जो है 1 हो गया, 124। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंपेयरिंग डेल्टा मॉड्यूलेशन विद पीसीएम सिस्टम। डेल्टा मॉड्यूलेशन रिक्वायर्स, अब ये थ्योरी है, उसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा 123 क्या आएगा इसका आंसर। फिर 125, इसको देखना पड़ेगा बुक से आपको। अगला है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यूजेज। इंडक्टिव लैडर नहीं होता है, कैपेसिटिव नहीं होता, हम लोग रेजिस्टिव लैडर ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये टोटल हम लोग पहुँचे क्वेश्चन नंबर 125 पे। ओके, शुरू कहाँ से किए थे? हाँ, मतलब 100 क्वेश्चन हो गए इस तरह से, तो 25 क्वेश्चन इसमें हिंदी रहा होगा और 100 क्वेश्चन टेक्निकल है, ठीक है। इस तरह से इसका सोल्यूशन यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।